हेलो गाइस, मेरे पास आ चुका है फाइनली गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। द फर्स्ट सैमसंग गैलेक्सी AI फोन इज हियर। आज मैं इस पे करने वाला हूँ एपिक गेमिंग टेस्ट और बात करेंगे जितने भी न्यू AI फीचर्स इसके अंदर है जो किसी भी फोन के अंदर अभी तक नहीं है। पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसका बॉक्स काफी प्रीमियम लगता है देखने में और ये सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट लगता है मुझे। फाइनली ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की फर्स्ट लुक। बॉक्स के अंदर हमें एक चार्जिंग वायर मिल जाएगी और कुछ पुस्तकें और ये सिम ट्रे पिन मिल जाएगी। फोन देखने में बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। मैं पिछले 5 साल से फोन पर गेमिंग कर रहा हूँ और काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मुझे अपना फोन अपग्रेड करना है। इतना ज्यादा लैग, इतना ज्यादा ओवरहीट होता है कि गेम प्ले बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चलता और शायद आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। बट इस बार सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा वो सारे अपग्रेड्स लेके आया है जो मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस को एपिक बना देंगे। बात करेंगे अपग्रेड्स की तो इसकी बॉडी एंड शेप जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। इसकी बॉडी जो है वो है टाइटेनियम की और काफी अच्छा और प्रीमियम फील देता है। इसकी शेप जो है वो है पूरी रेक्टेंगुलर जो कि गेमिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही बेटर है। अच्छा होल्ड होता है, अच्छा ग्रिप बनता है। फ्रंट ग्लास जो कि पूरा का पूरा फ्लैट कर दिया है। पहले थोड़ा सा कर्व था, अब बिल्कुल ही फ्लैट है जो कि और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको गेमिंग के लिए। सो जल्दी से हम इसके अंदर गेम खेलते हैं और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस हमें मिलती है और बात करते हैं बाकी सारे अपग्रेड्स की। सबसे पहले हम गेम खेलेंगे जो कि मेरी फेवरेट है, वो है BGMI। BGMI ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो इस फोन में अप टू 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसका मतलब आप स्मूथली 90 FPS पर गेम खेल पाओगे और जल्द ही BGMI की तरफ से भी पैच आ जाएगा जिससे 90 FPS तो इनेबल हो ही जाएगा। अल्ट्रा HDR में गेम के ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिख रहे हैं। काफी देर तक मैंने इस पर गेम प्ले करा और डेफिनेटली बहुत ही स्मूथ और बेटर फील हो रहा है खेलने में। लगातार 2-3 TDM खेलने के बाद भी फोन बिल्कुल भी हीट ही नहीं करा है और देखने में ग्राफिक्स काफी ज्यादा सूदिंग है। सबसे बढ़िया बात जो कि हॉट ड्रॉप करते टाइम मुझे बिल्कुल भी किसी तरीके का लैग फील नहीं हुआ है फोन में जो कि बाकी डिवाइसेस में देखने को मिलता है। एस्पोर्ट लेजेंड्स को भी खेलकर देखा मैंने, हर चीज बहुत ही स्मूथली चल रही है इस फोन के अंदर। किसी भी तरीके का जिटर फील नहीं हुआ अभी तक। गेम के ग्राफिक्स इस फोन के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेंट दिख रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है सैमसंग ने इस बार। इसके अंदर इस गेम को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है एंड ये देखो बड़ी आसानी से इस राउंड को मैं जीत गया। इसके अंदर है 6.8 इंच का हाइपर रियलिस्टिक डिस्प्ले जो काफी ज्यादा ब्राइट और ग्राफिक्स वाइब्रेंट है। अगर आप सनलाइट के नीचे या किसी भी हार्श लाइट के नीचे गेमिंग करते हो या यूज करते हो तो आपको सब अच्छे से दिखेगा। बड़े साइज की वजह से इसका फील्ड ऑफ व्यू भी इंक्रीज हो जाता है जो कि गेमिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, ट्रस्ट मी, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड एंड टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है फॉर गेमिंग। 5000 mAh की बैटरी है जो देता है लॉन्ग लास्टिंग गेमिंग एक्सपीरियंस और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इसके अंदर है गैलेक्सीज बिगेस्ट 1.9x वेपर कूलिंग चैम्बर जिसकी वजह से ना तो आपका फोन हीट करेगा और ना ही लैग करेगा। बिल्कुल मक्खन स्मूथ गेम चलने वाली है एंड दैट्स सो अमेजिंग बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम वी फेस इन मोबाइल, ओवर हीट होना या लैग होना, एंड इसकी वजह से बिल्कुल भी हीट नहीं करने वाला है। ऑल्सो इसके अंदर इनेबल है रे ट्रेसिंग जो कि आपको सिर्फ PC के अंदर दिखाई देता था एंड पहली बार सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर हमें देखने मिलने वाला है। रे ट्रेसिंग एक AI टेक्नोलॉजी है जो आपके ग्राफिक्स को काफी रियलिस्टिक बना देते हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा फास्ट कर देते हैं। इस साल बहुत सारी ऐसी गेम्स रिलीज होने वाली है जो कि रे ट्रेसिंग इनेबल होगा एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अब बात करते हैं इसके AI फीचर्स के बारे में। पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट है सर्कल सर्च। इसके थ्रू आप किसी भी फोटो या स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मेरे टेबल पर ये टर्टल पड़ा है और अगर मैं इसकी फोटो लेता हूँ, फोटो लेने के बाद लॉन्ग प्रेस करूंगा बॉटम में तो सर्कल सर्च इनेबल हो जाएगा। मुझे बस सर्कल करना है जिस चीज को मुझे सर्च करना है, जैसे कि मैं इस टर्टल पर करता हूँ और लुक एट दिस, सारे के सारे लिंक्स या पेजेस खुल जाएंगे इससे रिलेटेड एंड इट्स सो अमेजिंग यार। दूसरा सबसे बढ़िया AI फीचर जो मुझे लगा वो है लाइव ट्रांसलेट। लाइव ट्रांसलेट के अंदर आप दुनिया में किसी भी कोने पे कॉल लगा सकते हो और रियल टाइम पे दोनों तरफ से जो भी बात होगी वो ट्रांसलेट होके सुनाई देगी। एन अमेजिंग। एंड ऑल्सो
मैसेज चैट के अंदर जो भी चैट होगी वो भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो रियल टाइम पर और बिना किसी दूसरी एप्लीकेशन के यूज के एंड ऑफलाइन मोड में, मतलब बिना इंटरनेट के भी। बात करते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरे के अंदर भी काफी ज्यादा AI फीचर्स ऐड करे गए हैं। नॉर्मली आप कोई भी फोटो क्लिक करोगे उस फोटो को काफी ज्यादा इनहेंस और बेटर बना देगा AI की हेल्प से। आपकी गैलरी के अंदर कोई भी रिकॉर्डेड अगर वीडियो रहेगा उस वीडियो पे अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो उस वीडियो को रियल टाइम पे ये स्लो मोशन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त फीचर है। आप सब लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, आपको सबसे बेस्ट फीचर क्या लगा इसके अंदर। एंड डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा रहने वाला है मेरा न्यू गेमिंग फोन।